मोदी जी आप सुन रहे हैं ना, बीजेपी का नाम बदल के पंडित रख दीजिए। आए मोदी जी ने कहा था 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 15 लाख का खाते में नहीं आए, भ्रष्टाचार का सारा पैसा कहाँ जा रहा। सो वेलकम टू माय सब्सक्राइबर टू योर बॉय हैदरशी चैनल। सो गाइस, अनुराग ओझा वर्सेस अनभगे बहुत अच्छा डिबेट होता है, मुझे पता है अनुराग ओझा का डिबेट बहुत अच्छा होता है, तो और शायद इंटरव्यू भी। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि अनभक्तों को क्या जवाब मिला है और हम लोग क्या ओपिनियन रख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नवे आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों को बताओ फ्री प्रमोशंस के बारे में। अगर आपका यूट्यूब चैनल कोई भी गलत चीज को प्रमोट नहीं किया है तो मैं आपको फ्री में प्रमोट कर दूंगा, या फिर अगर आपकी वीडियो मेरी फीड पे आती है और मुझे अच्छी लगती है तो मैं आपको डायरेक्टली प्रमोट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहां जाके फॉलो जरूर कर लेना। और फॉलो के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज प्रमोट करवानी है या आप लोगों को कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना भी दूंगा। तो गाइस चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोदी जी आप सुन रहे हैं ना, बीजेपी का नाम बदल के पंडित रख दीजिए। आए मोदी जी ने कहा था 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 15 लाख का खाते में नहीं आए, भ्रष्टाचार का सारा पैसा कहाँ जा रहा है। तो पता ही चल गया, सिर्फ एक उंगली की, एक उंगली और पूरी भारतीय जनता पार्टी घूम बैगन, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, इसको अंधभक्ति कहते हैं, इसकी कोई दवाई नहीं। तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, इसको अंधभक्ति कहते हैं, इसकी कोई दवाई नहीं। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों फिर से और एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ इस अनभक्त पर, और इस अनभक्त का कहना है मोदी योगी इस भारत का शेर है। लेकिन हमारी इस अनुराग भाई ने बताया कि मोदी योगी इस भारत का शेर नहीं बल्कि भारत का चूहा है। जी हाँ, तो आओ यार वीडियो में आखिर तक बने रहे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है आप, बीजेपी के अगर प्रवक्ता बन सकते हो तो मैं इंडिया में सवाल ये पूछ रहा हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता है नहीं, आप प्रवक्ता है लेकिन आप बीजेपी के प्रवक्ता है ना, ये बताइए आप तो बीजेपी के प्रवक्ता है ना, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता है या नहीं है। ये फंस गया सी एम, महिला का बलात्कार करिए, सुनिए भाई, महिला का बलात्कार करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, आप लोगों का फूल माला से स्वागत किया जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए, इस देश में जितना भी भ्रष्टाचारी है, रात को भ्रष्टाचारी रहता है, मोदी जी के पास में फोन करता है, मोदी जी हम आपकी पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं, उसको तुरंत सदाचारी घोषित कर दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है। मोदी जी ने कहा था 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 15 लाख का खाते में नहीं आए, भ्रष्टाचार का सारा पैसा कहाँ जा रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मीडिया में बाइट देने से क्या महंगाई कम हो जाएगी, क्या महिला हर आदमी के, सुनिए हर आदमी के कान में बात तो पहुंचेगी ना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं बताता रहा हूँ, जिनकी आप चापलूसी और दलाली कर रहे हैं, सुनिए भाई सुनिए, जिनकी आप चापलूसी कर रहे हैं उन्होंने कहा तो सुनिए भाई, मैं बहुत मर्यादा में बोल बोलता हूँ, मैं अनुराग ओझा ही बन के बात कर रहा हूँ, अनुराग ओझा बन के नहीं बात कर रहा हूँ, इसलिए बहुत बने हुए हैं। मैं बोझा, सुनिए भाई जी बोलिए, शब्दों की मर्यादा रखें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोग ऐसा ही करता है, रखें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोग ऐसा ही करता है। मोदी जी आप सुन रहे हैं ना, बीजेपी का नाम बदल के पंडित रख दीजिए। अरे भाई, अरे आप प्रवक्ता हैं, आपको सबित पात्रा बनाया जाएगा, आपको सबित पात्रा बनाया जाएगा, सुनिए आपको बीजेपी इस बार टिकट भी दे देगा, घबराइए मत। लालू जी की बात, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, इसको अंधभक्ति कहते हैं, इसकी कोई दवाई नहीं। तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, इसको अंधभक्ति कहते हैं, इसकी कोई दवाई नहीं। पिछली बार वो 39 सीट आ गई थी धांधली से, इस बार ईवीएम हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। तो पता ही चल गया, सिर्फ एक उंगली की, एक उंगली और पूरी भारतीय जनता पार्टी घूम गई। लश्कर भी तुम्हारी नहीं होगी, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, अदालत भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय बिहार। तो दोस्तों गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, मेरा तो अभी तक इस पे कुछ ओपिनियन बनता नहीं, क्योंकि भाई बंदा इतनी भारी बात करता है कि ओपिनियन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती और बहुत सही बात करता है। तो गाइस आप लोग अपना ओपिनियन, अगर आपके समझ में कोई ओपिनियन है या आप लोगों के पास कुछ बातें हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।